18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा, जिसके दौरान सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में NDA गठबंधन दलों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस पद को कौन संभालेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? दरअसल लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते अध्यक्ष को दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित कुछ प्रमुख कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 94 में कहा गया है, जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। नई लोकसभा में सदन के अध्यक्ष का चयन साधारण बहुमत से होता है। उसके चयन तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम का अर्थ अनिवार्य रूप से, फिलहाल या अस्थायी रूप से होता है। संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर आधिकारिक पुस्तिका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। अब यह जानना भी जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे किया जाता है। पुस्तिका में कहा गया है कि जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा। नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के समक्ष शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार आम तौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि कुछ अपवाद भी रहे हैं। जैसे ही नई सरकार बनती है, भारत सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों की सूची तैयार करता है, फिर इसे संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, ताकि एक सांसद को प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए चुना जा सके। अब समझते हैं कि नए सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है, आमतौर पर टेलीफोन पर। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट सौंपते हैं, जिसमें प्रोटेम स्पीकर और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगी जाती है। वे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय भी तय करते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंत्रालय प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्तियों के बारे में सूचित करता है। अंत में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य 3 सदस्यों को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर अन्य 3 सदस्यों की मदद से नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं।